बॉलीवुड की हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में नाम शुमार था परवीन बाबी का। परवीन बाबी भले ही बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कई राज छुपे थे। आज भी उनकी गुमनाम मौत पर भी रहस्य बना हुआ है। आइए जानते हैं मिस्टीरियस गर्ल परवीन बाबी के बारे में। परवीन बाबी इकलौती संतान थी। माता पिता के 14 सालों के इंतजार के बाद परवीन का जन्म हुआ था। जब परवीन 7 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। कॉलेज के दिनों से ही परवीन काफी बोल्ड थी। जब डायरेक्टर बीआर इशारा ने उन्हें अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में मिनी स्कर्ट पहने हुए और हाथ में सिगरेट पकड़े हुए देखा, उसी वक्त उन्होंने परवीन बाबी को पहली फिल्म का ऑफर दे दिया। Come in. May I have a light, please? थैंक यू। 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपने वाली बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस बनी। परवीन की पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन ने अपनी कोशिश जारी रखी। फिल्म मजबूर उनकी पहली सुपरहिट फिल्म रही, जिसमें परवीन बाबी के अपोजिट अमिताभ बच्चन थे। उसके बाद उन्होंने बिग बी के साथ कई फिल्में की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन पर उनकी हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। परवीन बाबी ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनका नाम डेनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा गया था। डेनी के साथ रोमांस लंबे समय तक नहीं चला। डेनी द्वारा एक फिल्म पत्रिका में दिए गए एक साक्षात्कार के अनुसार हम दोनों वास्तव में प्यार में पड़ गए थे और 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लेकिन एक दिन परवीन बाबी ने उनसे अचानक ब्रेकअप ले लिया। ये शुरुआत में एक झटके के रूप में आया, लेकिन अलग होने के बाद भी वे सालों तक दोस्त बने रहे। मुझसे शादी करोगी? अगर ये लोहा होता तो मरोड़ के फेंक देता। परवीन बाबी के जीवन में प्रवेश करने वाला अगला व्यक्ति थे कबीर बेदी, और ये 70 के शुरुआत के दशक में हुआ था। उस समय कबीर बेदी शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था प्रतिमा। 1977 में जब कबीर बेदी ने अपनी पत्नी प्रतिमा को तलाक दिया तो उन्होंने परवीन बाबी से भी नाता तोड़ लिया। खबरें थी कि महेश भट्ट परवीन बाबी के प्यार में कुछ इस कदर पड़ गए थे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दे दिया था। लेकिन इनका रिश्ता भी चला नहीं। महेश भट्ट से अलग होने के बाद परवीन बाबी काफी डिप्रेशन में चली गई थी। फिल्मों से दूर होकर वो उस समय अमेरिका चली गई। परवीन के दीवानों की लिस्ट में एक्टर बॉब क्रिस्टो का नाम भी शामिल है। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन एक तरफा प्यार में दीवाने बॉब परवीन के लिए मुंबई में ही बस गए थे। गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है, और आपको पाते ही खो रही हूं। मैं जानती हूं आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जान की हिफाजत के लिए मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूं। कहते हैं परवीन बाबी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। 22 जनवरी 2005 परवीन बाबी अपने जूहू के प्लेट में मृत पाई गई थी। उनके घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार 2 दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे। उनकी मौत कैसे हुई इस पर भी रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि वो डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी। लेकिन अफसोस, परवीन बाबी की मृत्यु के बाद उसके सभी प्रेमी
जैसे महेश भट्ट और कबीर बेदी हमेशा परवीन बाबी की छवि को नष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।